हम सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, एक भाई साहब मैं एक आगे करूँ, यहाँ विशेष एक सेकेंड विशेष रूप से बहुत सारी महिलाएं बैठी, उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ, बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं, किसी ने सुना? अशोक जी ने और महिलाएं मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, सर मोदी को आपने क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? जितनी महिलाएं बैठी हैं उनको पता है इंसिनुएशन क्या है। एक सेकेंड, आई नो इट अनएक्सेप्टेबल, अलाउ मी टू स्पीक माय फ्रेंड, आई नो। अशोक जी आप ये सवाल कभी किसी पुरुष से पूछते हैं? मेरा एक सवाल ये था मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अभी मैं राज्यसभा हारी की, एक सेकेंड जी बोलिए, मैं यहाँ पे हूँ अपने पिता का नाम का सहारा लेकर रहे हैं। अशोक मैं अपना जवाब दे दूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि सब शांत बैठे, मैं आपको एक जवाब दे दूँ। अशोक सिंघल आपने ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं है, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है, अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरस्कार से अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था, मैंने ये कहा राज्यसभा आ रही हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ, देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ, कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुँचना ये अभिशाप नहीं है, किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है, और एक लड़की जो एक ऐसे